हेलो एवरीवन। तो हम लेकर आए हैं वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन पाइथन। आओ मिलकर सीखें और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं हम वीडियो लेक्चर्स पे। वेलकम टू कोलैब। अब यहाँ पे कोड पे क्लिक करिए। यहाँ पे लिखिए हैश। हैश क्या करता है? एनी लाइन ऑफ कोड स्टार्टिंग विद हैश सिंबल इज ट्रीटेड एज ए कमेंट एंड गेट इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। तो हैश सिंबल के बाद जो भी मैसेज हम टाइप करते हैं वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है और ये प्रोग्राम के टाइटल की तरह ट्रीट होता है। जैसे हम एडिशन ऑफ टू नंबर के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, कोड्स लिख रहे हैं, तो हमने लिखा है हैश एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अब हमने टू वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन की, एक्स इक्वल टू 19, वाई इक्वल टू 20। सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमने एक्स और वाई को एडिशन कर दिया है, एक्स और वाई का। अब हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने लिखा प्रिंट द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, तो पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं, फिर लिखते हैं सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक कॉमा लगाते हैं और फिर जो हम वेरिएबल प्रिंट कराना चाहते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा सम। रन सेल, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 39। अब हम ये सेम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं लेकिन इसमें जहाँ पे एक्स और वाई आ रहा है वहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम को किस तरीके से राइट करेंगे? हम प्रिंट के अंदर द सम ऑफ के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगा के एक्स के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, एंड को भी इन्वर्टेड कॉमा मिलेंगे, फिर कॉमा यूज करके फिर वाई के बाद कॉमा यूज करेंगे और इसको भी इन्वर्टेड कॉमा मिलेंगे। नाउ रन सेल, द सम ऑफ 19 एंड 20 इज 39। तो जहां पे पहले एक्स और वाई आ रहा था अब उसकी जगह 19 और 20 लिखा आ रहा है। अब इसको हम दोबारा लिखेंगे और अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल है वो यूजर से इनपुट कराएंगे। अभी हमने वेरिएबल की जो वैल्यू है खुद असाइन की थी, अब वेरिएबल की वैल्यू यूजर से इनपुट लेंगे। तो हमने यूज किया प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स हम यूजर से इनपुट कराना चाह रहे हैं तो एक्स इक्वल टू इंट फंक्शन यूज किया, इनपुट फंक्शन यूज किया इनपुट के लिए। जो इंट फंक्शन होता है वो वेरिएबल विदाउट डेसिमल प्लेसेस होता है, यानी कि यहाँ पे जो है इंटीजर टाइप वेरिएबल को हम लेते हैं। वाई इक्वल टू इंट इनपुट प्रिंट द वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई ने इनपुट लिया और इसके बाद हमने इन दोनों का सम किया, सम एक्स प्लस वाई। अब प्रिंट कमांड हमने पहले वाली कॉपी कर ली। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स 19, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई 20, द सम ऑफ 19 एंड 20 इज 39। यहाँ पर हमने
फोर लाइन में कोड्स लिखा था इनपुट और प्रिंट का, इसको हम किस तरीके से टू लाइंस में लिख सकते हैं, तो वो चेंज देखते हैं कि कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा। तो हैश एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एक्स इक्वल टू इंट पैरेंथेसिस इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम ऐसे ही हम वाई के लिए लिखेंगे। तो y इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ y, हमने इनको सम कराया और प्रिंट किया। रन सेल, एंटर द वैल्यू ऑफ x 19, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई इज अगेन 19। द सम ऑफ 19 एंड 19 इज 38। इस प्रोग्राम में और ऊपर वाले प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले प्रोग्राम में जो कोड हमने फोर लाइंस में लिखे थे, इस प्रोग्राम में वो टू लाइंस में कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट में हमें मिल रहा है और जो हम इनपुट करा रहे हैं वो एक्स और वाई से के बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं इन दोनों के बीच में स्पेस भी आए, तो स्पेस आए और ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए हमें इस कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा? तो हम एक्स के बाद स्लैश ब्लैक स्लैश एम यूज और वाई करेंगे। के बाद भी हम ब्लैक स्लैश एम यूज करेंगे, तो बैक स्लैश एन जो है नेक्स्ट लाइन में इनपुट को ले जाता है। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन में इनपुट मिल रही है 38, 58। द सम ऑफ 38 एंड 58 इज 96। अब हम यहाँ पे इनपुट जो एंटर करा रहे हैं उसको चेंज करके देखते हैं, डेसिमल प्लेस पे वैल्यू को एंटर कराते हैं। तो इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं, तो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 13.4, की जरूरत ही नहीं पड़ी है, एरर आ गया है। तो ये एरर क्यों आ गया है? क्योंकि जो हमने एक्स और वाई वेरिएबल डिफाइन किए थे वो इंट फंक्शन से किए थे, और इंट फंक्शन इंटीजर के लिए होता है, तो अगर हमें डेसिमल प्लेस पे वैल्यू इनपुट करानी है तो हमें फिर दूसरा फंक्शन यूज करना होगा, और उस फंक्शन को बोलते हैं फ्लोट। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे फ्लोट फंक्शन करेंगे, तो जहाँ पे हमने इंट यूज किया है वहां पर हम फ्लोट लिख देंगे, FLOAT। सेम अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स 20, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई इज 15.5, द सम ऑफ 20.0 एंड 15.5 इज 35.5। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कि अगर हम 4 to 5 डेसिमल प्लेस लें तो किस तरीके से ये प्रोग्राम रन होगा। तो एक्स इक्वल टू 12.1234, वाई इक्वल टू 22.456 सेवन, द सम ऑफ 12.1234 एंड 22.4567 इज 34.58015। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला है वो 5 डेसिमल प्लेसेस तक मिला है, और अगर हम चाहते हैं कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक ना हो, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर मिले, तो
तो देखिए इन कोड्स में हमें क्या चेंज करना होगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटाइल पॉइंट टू एफ, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर फिर परसेंटाइल एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स 12.12345, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई 22.12345। तो अब आप देख रहे हैं जो आउटपुट मिल रहा है हमें 2 डेसिमल प्लेस तक मिल रहा है। तो परसेंटाइल के बाद पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू लिखेंगे उतने डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर मिल जाएगा। अगर 0.1 लिखेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस तक, 0.3 लिखेंगे तो 3 डेसिमल प्लेस तक हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो हमने 0.1 लिखते ही हमें अब आउटपुट में 1 डेसिमल प्लेस तक आउटपुट मिल रहा है। तो आज हमने कौन कौन से फंक्शन सीखे हैं? हमने इनपुट फंक्शन सीखा है कि किस तरीके से इनपुट लेते हैं यूजर से। हमने फ्लोट और इंटीजर फंक्शन यूज किया है। उसके अलावा हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज किया है एडिशन, और साथ में डेसिमल प्लेस को कैसे चेंज करते हैं उसके लिए कौन किस तरीके से हम सेंटेक्स लिखते हैं वो यूज किया है, किस तरीके से कोड यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटाइल पॉइंट वन एफ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज परसेंटाइल यूज करना हो। डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोनों ही वैलिड है पाइथन के अंदर। जो प्रोग्राम हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। तो फ्लोट डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम एंटर वैल्यू करा रहे हैं और एक हमने सिंगल वैल्यू में रखा है। तो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स 12.123, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई 12.321, द सम ऑफ 12.123 एंड 12.321 इज 24.4। तो हमने एक वेरिएबल डबल इन्वर्टेड कॉमा में कराया एंटर, इनपुट लिया है। एक वेरिएबल को हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से लिया है। उसके बाद भी हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी अर्थमेटिक जो ऑपरेशन हैं उनको कराएंगे, जिसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लो डिवीजन, मॉडुलस, पावर और सब्ट्रैक्शन रहेगा।